أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم with the name of Allah Almighty the most beneficent and the most merciful coffee with CEO by CEO club Pakistani Jaz Nasar हाजिर है हमारा ये जो सेगमेंट है कॉफी विद सीईओ बाय सीईओ क्लब ये बेसिकली इसकी दो क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हर सेशन में मैं शेयर करता हूँ वो ये है नंबर वन वी सीक द डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप सीईओस हम पाकिस्तानी टॉप सीईओस से डायरेक्शन सीख करते हैं फॉर द यंग पीपल इन दिस कंट्री एंड द सेकेंड क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव इज वी सीक द इंस्पिरेशन क्योंकि पाकिस्तान में यूथ बल्ज बहुत बड़ा है 25 ईयर्स के जो पॉपुलेशन है बिलो जो 65 जो परसेंट पॉपुलेशन है बिलो 25 है और वो 15 करोड़ बच्चे बनते हैं नौजवान बनते हैं ये नौजवानों का मुल्क है तो उसके लिए हम सीईओस को रोल मॉडल के तौर पे प्रेजेंट करते हैं तो आज की जो हमारी जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही खूबसूरत दोस्त हैं साथ हक साहब हैं जो कि HNS के ग्रुप CEO हैं और इनका को 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है 20 ईयर्स प्लस इन दुबई इन ग्लोबल इनका विजन है डिफरेंट कंट्रीज में इनके प्रोजेक्ट्स हैं और पाकिस्तान में इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं एक टोटल लाइफ स्टाइल का चेंज पैराडाइम शिफ्ट किया इन्होंने तो इनसे हम बात करके पूछते हैं कि इनकी सक्सेस स्टोरी सक्सेस जर्नी क्या है साथ थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम नो डाउट यू आर अंडर प्रेशर फॉर द लॉट ऑफ मीटिंग्स लाइंड अप मेरा पहला सवाल है कोई भी कामयाब इंसान होता है उसके दो एरियाज होते हैं एक पेन पॉइंट्स होते हैं एक प्राइड पॉइंट्स होते हैं ग्लोबल मेरी जो रिसर्च है जी साथ आपकी स्टोरी थोड़े सा नटशेल चेक कीजिए और पेन पॉइंट्स होते हैं क्योंकि स्ट्रगल को कोई नहीं देखता सक्सेस को सारे करते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग देखते हैं एंड प्राइड पॉइंट्स क्या हैं ये इन नटशेल सर माशाल्लाह जल्दी काफी लंबी है नटशेल के अंदर बताना कोई नहीं लेकिन आपको किसी दिन आराम से बताएंगे आज तीन चार मिनट्स में आप बताइए लेकिन सक्सेस का अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट करूँ उससे तो सबसे पहले जी माँ बाप की दुआएं हैं एंड वी आर ब्लेस्ड विद द गुड पीपल लाइक योरसेल्फ अराउंड अस जिन्होंने हमें गाइड एंड सपोर्ट किया हमेशा उसके अलावा अगर मैं सेकंड चीज़ को लेके जाऊँ वो है ये है कि वी हैव हैड अ वेरी कंसिस्टेंट अप्रोच टूवर्ड्स बिजनेस कंसिस्टेंसी जो है ना अगर आप बहुत तेज काम करें या स्लो काम करें मैं ये नहीं कह रहा कि यू शुड बी वर्किंग वेरी हार्ड यू शुड बी कंसिस्टेंट एट द वे यू डूइंग इट at a normal level and success will come automatically. So I think for the last many few years, HNS completely, all of us brothers, my elder brother Imad Haq, Fahad Haq, my younger brother, and mashallah our father as well, we have been every day consistently been at work, may it be towards a personal life work or may it be towards HNS. So ek ye badi, this is my advice to everyone that you should have some kind of a daily routine which should be converted into your yearly and decade and life routine ke consistency se banda kaam kare HNS ki जो प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर इस फील्ड के अंदर इस सेक्टर के अंदर रियल स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा ना एक लोग फेक लोग भी आ जाते हैं जिसकी वजह से ट्रस्ट होता है मिसट्रस्ट का आ जाता है इस सेक्टर के सारी जो सक्सेस वो क्रेडिबिलिटी इन ट्रस्ट पे बेस्ड करती है HNS की कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे आपका तीन चार प्रोजेक्ट्स आपने डिलीवर किए हैं पाकिस्तान में आप इसका जो HNS का नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं डिलीवर जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से हैं और क्या आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है माशाल्लाह HNS has been there since almost 2 decades now as a brokerage and as a developer, as an investor. So, what we are looking at is that always deliver a product which is needed in the market. Rather than that product we push in which we have the most profit or we have our wish list of product which is a beautiful building. We are seeing what does the public need. चाहे हमारी वो इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स दुबई के अंदर हों अफ्रीका में हों चाहे हम एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी किसी को प्रमोट कर रहे हों जैसे हम बिग ब्रांड्स के साथ हम काम करते हैं सो वी आर ऑलवेज लुकिंग के एक तो बेसिक जो क्राइटेरिया मेटअप हो जैसे आपने ट्रस्ट फैक्टर की बात की ऑल आर प्रोडक्ट्स हैव एस्क्रो बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स और कहीं एस्क्रोज बन सकते हैं और कहीं बिकॉज ऑफ बैंकिंग सिस्टम एस्क्रोज बन नहीं पाते लेकिन द internal financial system of HNS is based on complete escrow systems theek ke the funds are going towards the right place jaise financial management this is what my belief is ki agar koi bhi company agar aapne progress karna hai ek had tak to aap progress kar sakte hain grow kar sakte hain on your own key personal capability isse aage grow karne ke liye aapko financial structures zaruri chahiye not the ceo not the managing director not the chairman the cfo should be the key man who handles the structures of the company and uski wajah se ek aapka inflows aur outflows jo aap wo manage kar raha hota hai transparency as well ke hamare jitne bhi clients hain globally jitne bhi hamare clients hain they can look into our ki hamari milestones kya hain
आपकी जो पेमेंट्स ही आती है माइलस्टोन बेस्ड हैं, आपने अगर उस लेवल तक कंस्ट्रक्शन की ही नहीं तो आपको पेमेंट आपने कैसे कलेक्ट नहीं करेंगे। सिस्टम की बात की। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज सिंपल एज दैट, एंड यही दिस कन्वर्ट्स इनटू सक्सेस। दो चीजें जो होती है ना, पेन होती है, हेडेक कहते हैं जिसको हम पेन कहते हैं फॉर सीईओ। एक होता है ह्यूमन रिसोर्स को, कि आप एक ग्लोबल मार्केट देखिए, दुबई में देखिए वो स्टैंडर्ड्स हैं, वहां बंदा आउटस्टैंडिंग कर सकता है जब तक उसके अंदर एक कॉम्पिटेंस लेवल ना हो। तो पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स लेवल बहुत लो है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। जो अच्छे लोग होते हैं वो ब्रेन ड्रेन हो जाता है। तो एचआर के चैलेंजेस आपके पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपके क्या चैलेंजेस हैं ह्यूमन रिसोर्स के, एंड देन कैश फ्लो मैनेजमेंट के चैलेंजेस? जी एक ठीक है। सो रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स, क्या चैलेंज है आपको बंदा हायर करना, बंदे नहीं मिलते सर। जी आप देखिए सही प्राइस देंगे ना, इफ यू पे द राइट प्राइस फॉर द राइट प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। इसी तरीके से हमें एज पाकिस्तानी, वी आर मोर देन विलिंग टू पे मनी आउटसाइड इन दुबई और अदर प्लेसेस फॉर गुड ह्यूमन रिसोर्स, व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? अगर आपने पाकिस्तान के अंदर, आप वी आर ऑलवेज लुकिंग टू कट सम कॉर्नर्स, व्हाई? अगर आप अच्छे पैसे दें, आपको अच्छे एजुकेटेड रिसोर्स भी मिलेगी, और ब्रेन ड्रेन भी नहीं होगा हमारे मुल्क से। अगर पाकिस्तान के अंदर ही वी आर एबल टू पे, सो एचएनएस के अंदर भी वेरी, आप माशाल्लाह हमारे सारे ऑफिस विजिट करें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, एंड यू विल सी दैट इवन द बेसिक ऑफ द बेसिक जॉब इज बीइंग डन बाय द राइट पर्सन एंड इज बीइंग पेड द राइट मनी फॉर इट, एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू हैप्पी कल्चर एट ऑफिस एज वेल। तो इफ अगर आप मेरे ख्याल से, इफ यू माशाल्लाह अगर अच्छा कॉम्पनसेशन कर देते हैं और देनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉट I was the first, I think, real estate industry kind of person. जो सबसे पहले मैंने HR department जब बनाया, we said the one of the first things. HR department usually होता भी नहीं, अक्सर होता ही नहीं। तो ये वह very good. HR department होता है। बिल्कुल, हमारा HR department अच्छा है. You know, one of our very competent person, Miss Sidra, she's handling it. And the one of the first things I told her to do was get me insurance for all of my employees. She said, "Sir, insurance, while you know, they were shocked. कि why are we giving insurance? I said, नहीं, peace of mind चाहिए. In the bigger picture of things, ये cost कुछ भी नहीं है. मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे, ऑटोग्राफ हमारा मेगा प्रोजेक्ट ऐसा 12 बिलियन और मिस्टर आतिफ यूट से कितने बिलियन, 14 बिलियन प्रोजेक्ट इन द बिगर पिक्चर ऑफ थिंग्स। हम जितने स्टाफ को उसके अंदर अगर हमने इंश्योरेंस लेके दे दी और कुछ लाख रुपए चले गए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन द पीस ऑफ माइंड इज ग्रेट। एंड व्हेन आई डिड गेट द इंश्योरेंस, आई सेड इंश्योरेंस द फैमिली एंड द पेरेंट्स एज वेल। और रिटेंशन भी होती है, क्वालिटी पीपल यूजुअली चैलेंज होते हैं, क्योंकि वो रिटेन करना मुश्किल होता है। No one leaves a job because of, you know, I mean, people normally leave jobs because of either bad boss or bad environment. Or bad environment. So, not money coming on time. Agar if you're, I don't know if you're a good boss or not, but I hire good managers who manage those people. So, there I believe that it's a happy environment. And agar aap jaise basic cheez hai, insurance, pata nahi, I'm trying to... Nahi, badi pyari baat ki hai. हाईलाइट ऐसे करना, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं, मैंने नहीं देखा। बेसिक चीज है इंश्योरेंस, यू नो, और देनी चाहिए पीस ऑफ माइंड। अगला छोटे से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक सीईओ जो होता है उसकी कोर कॉम्पिटेंस क्या है, एक हाउ डू यू डिफाइन अ सीईओ इन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, और कोर कॉम्पिटेंस, क्योंकि ये फ्यूचर जो बच्चे आ रहे हैं ताकि ये चीजें अपने अंदर डेवलप करें। देखिए सीईओ एक ग्लोरिफाइड, देखिए सीईओ जो है एक ग्लोरिफाइड डेजिग्नेशन है ऑफ अ पर्सन हु इज एक्चुअली जस्ट अ मैनेजर। ग्लोरीफाइड मैनेजर है, ग्लोरीफाइड मैनेजर है। तो तीन कॉम्पिटेंस के हैं, एट द एंड ऑफ द डे वी आर जस्ट मैनेजिंग पीपल। बट व्हेन यू गेट अप टू द रोल ऑफ अ सीईओ, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज के यू नीड टू बी अ पीपल्स पीपल। ट्रू, वेरी गुड। आप लोगों को लेके चलेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, ठीक है। सेकेंडली यू नीड टू एम्पावर पीपल। यू कैन नॉट बी अ मैनेजर इफ यू मैनेज एवरीथिंग योर सेल्फ। द रोल ऑफ अ सीईओ इज that you delegate people, competent people. You cannot do too much hand-holding, you cannot do micromanaging. And lastly, I would say you need to appreciate the people who are doing your work. You cannot take all the credit. You need to step back and identify the people who are doing the right job. Like I told you right now, Sidra is doing a great job in HR and the credit goes to her, not to me. So I think कुछ qualities हैं, qualities नहीं है, मेरे ख्याल से basic necessities हैं, इसके बगैर कुछ ना के चलता। हाँ। एक चीज अभी आपने पहले गुफ्तगू में ऑफलाइन बात आई थी कि एक हद तक आपकी सक्सेस हो सकती है इंडिविजुअल आपकी कॉम्पिटेंस बेस पे, उसके बाद आपको एक सिस्टम के तहत ड्राइव करना होता है कंपनी को, और प्रोफेशनली मैनेज्ड जो लोग कॉम्पिटेंट लाने चाहिए, सिस्टम एंड स्ट्रक्चर की कितनी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में? इफ यू लुकिंग फॉर इन एचएनएस, वी आर लुकिंग फॉर दैट the directors, the CEOs, the chairman, the vice chairman should not be needed to run the company. True. We can be on the board,
बट वी डोंट नीड टू रन द कंपनी, ऑपरेशंस पे नहीं आना चाहिए. एग्जैक्टली. तो हमने काफी अपने जितने भी हमारे बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह एसएनएस इज पार्ट ऑफ हक्सन ग्रुप व्हिच हैज मल्टीपल बिजनेसेस, हम सबसे पहले स्ट्रक्चर्स पे वर्क करते हैं, सिस्टम्स पे वर्क करते हैं. वंस यू हैव सिस्टम्स, बचपन में मैं लेगो खेला करता था, अभी बल्कि कभी कभार बेटी के साथ बैठ जाता हूँ लेगो खेलने के लिए. आप देखें लेगो के इतने पीसेज होते हैं, लेकिन वो जो किताब होती है ना वो आपको बताती है ये बनाना कैसे है. एंड इफ यू फॉलो दोज, तो मैं बैठूं या आप बैठे या मेरा बेटा भी अभी बैठता है तो वो बना लेता है. ठीक है, तो अगर आपने सिस्टम्स इन प्लेस बना दिए हैं तो आने वाली आपकी पर्सनल जनरेशन भी चला सकती है कंपनी को, और हायर्ड लोग भी चला सकते हैं. अगर आपने सिस्टम्स ही बनाए अपने ऊपर रखा हुआ, तो जब तक आप है तब तक कंपनी है, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक कंपनी है, वरना इट विल स्टार्ट प्रोग्रेसिंग डाउन. सो द बेसिक थिंग इज, बचपन में लेगो खोलें, खेलें, और बड़े होकर सिस्टम बना लें कंपनी के अंदर. नहीं नहीं, ये तो आपने बड़ी अच्छी, इसको कहते हैं पाकिस्तान में एक अलमी है, सक्सेशन प्लानिंग नहीं होती. फैमिली बिजनेस में वन मैन शो चलता है, और वो जो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी का तरफ लेके नहीं आते. कई ब्रांड्स आए, नराला जैसा ब्रांड खत्म हो गया पाकिस्तान में, कितना बड़ा ब्रांड था, बिकॉज ये सिस्टम की कमी की वजह से. सर आगे चलते हैं, एक सीईओ जो होते हैं लीडर भी होते हैं. व्हाट इज लीडर टू यू? लीडर फॉर मी इज हूज फेयर, अ पर्सन हूज फेयर इन लाइफ. ही विल बी अ गुड लीडर एट होम, ही विल बी अ गुड लीडर टू हिज कम्युनिटी, ही विल बी अ गुड लीडर इन हिज ऑफिस. माय बिगेस्ट advice and request to everyone is be fair to your industry, be fair to your work. But this is leadership. आगे चले, एक रिसर्च है जो हार्वर्ड की, हमने सच भी हवाला दिया है कि जो सीईओ की जो कोर कॉम्पिटेंस में ना, एक कॉम्पिटेंस उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस है रादर देन के उसके बाकी जो चीजें अपनी जगह पे. तो वट इज योर टेक ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस रादर देन IQ? EQ इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ सीईओ, उसकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, वट इज योर टेक? 100% देखिए, इमोशंस जो है ना, सेइंग आई एम नॉन इमोशनल पर्सन मींस यू आर अ डेड पर्सन. यस, ठीक है, जो आदमी जिंदा ही नहीं है, ह्यूमंस ही इज इमोशनलेस. तो यस, बट यूजिंग दोस इमोशंस इन द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव वे इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज अल्लाह ताला ने किसी को दी हैं. सो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हमें और ज्यादा इसके ऊपर विजडम मिले, हाउ टू यूज आवर इमोशंस टू द बेस्ट ऑफ वे. माशाल्लाह मेरे फादर की तरफ से हमें बहुत ज्यादा, मदर की तरफ से, लेकिन फादर ने बिजनेस के नाम बहुत ज्यादा इस चीज पे, उनकी तरफ से हमें अकेले विरासत में मिली उनके साथ, थोड़ा बहुत जो काम यू नो किया हमने. वैसे माशाल्लाह स्टिल वर्किंग मोर देन मी, बट द थिंग इज बिकॉज दुबई जाना पड़ गया हम लोगों को, टेक केयर ऑफ बिजनेस इज ओवर देयर एंड ही स्टिल इन पाकिस्तान. तो वी डिड लर्न, व्हाट वी डिड लर्न फ्रॉम हिम इज अबाउट हाउ टू टेक आवर इमोशंस एंड आवर पॉजिटिविटीज टुवर्ड्स a way which empowers people and makes the business grow more. Difficult decision till now. Asana, apna saath aapne kya unsa life mein kiya? Decision, difficult decision. Because CEOs always to make decisions, smart decision, big decision, difficult decisions. Kaun se do teen decisions se totally transform your life? Dekhi, Mohammad Allah Bar saab chairman hai Imar Property. So, unhane ek bar ek lunch mein badi achi baat mujhe boli aur mere bhaiyon ko boli. They said, lazy people don't hire and fire people. They say, kaam chalate hain inke saath. जो नॉन लीजी इंसान होता है, बिकॉज हायरिंग इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो दैट. कॉम्पिटेंट लोग भी मिलना मुश्किल है और लोग भी वैसे ही मिलना मुश्किल है. बट ही वेरी राइटली सेड कि जो लीजी लोग हैं ना, वो कहते हैं चलो ये बी प्लस आदमी है, इसको चला लेते हैं. बट व्हाट यू डूइंग इज यू जस्ट हार्मिंग योरसेल्फ बैक, बिकॉज वो बी प्लस बंदा जो है ए प्लस कंपनी को पीछे खींचेगा. सो डोंट बी लेजी एंड हार्ड डिसीजंस आर टेकन. समटाइम्स यू हैव टू कीप इमोशंस असाइड एंड यू नीड टू टेक अ टफ डिसीजन. अगर आपके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, मैं एग्जांपल देता हूं हमेशा Formula 1 कार रेसिंग का. Formula 1 कार रेसिंग, आप उसके ऊपर नेटफ्लिक्स की बड़ी सी सीरीज भी देखिएगा कि everyone is a टीम परफॉर्मेंस. उसके अंदर कुछ सेकंड्स के अंदर जब पिट स्टॉप होता है तो गाड़ी के टायर भी चेंज होना है, फ्यूल भी डलना है. अगर वो 26-27 लोगों में एक आदमी भी अपना काम टाइम पे नहीं करेगा, गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती, आउट, एंड यू लूज द रेस, द होल टीम लूजेस द रेस. सो वन पर्सन कैन पुल यू बैक and a collective efforts, but everyone needs to be on the same scale. तो tough decision की अगर आप बात कर रहे हैं, कभी कभार अच्छे लोग होते हैं हमारे साथ, lay off करना, लेकिन वो lay off करना पड़ता है. HNS की वैसे मैं आपको सही बात बताऊं, we don't really lay off people, we readjust them in different areas. क्योंकि माशाल्लाह हमारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, मैं HR के साथ बैठता हूँ, आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैं उनको readjust कर देता हूँ किसी जगह पे. बिकॉज इवन दो अगर वो कमा रहे हैं या काम करके दे रहे नहीं दे रहे, मेरा ये भी थोड़ा सा बिलीव है, ये भी अगेंस्ट पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा, कि पता नहीं किसके घर की क्या दुआ लग रही है हमें, जिसकी वजह से हमारा निजाम चल रहा है. सोशल साइड ऑफ द बिजनेस, सोशल साइड ऑफ द बिजनेस. तो इसलिए यस, हम एडजस्ट कर देते हैं कहीं, लेकिन उसके घर की दुआएं आना नहीं रोकते, बिकॉज क्या पता उसके घर की दुआओं से हमारे घर चल रहा है. ये बहुत प्यारी बात की. एचएन, अगर मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई HR,
एचएनएस ग्रुप? देखिए सीएसआर की इस वक्त आपको, आज जो आप हमारे ऑफिस में लाहौर में बैठे हैं, आपको बल्कि नजर ही आ रहा है पिछले 3 घंटे से मैं बैक एंड फोर्थ कर रहा हूँ. व्हाट वी हैव डन इज कि हम रियल स्टेट इंडस्ट्री को यहाँ, रियल स्टेट ब्रोकर्स जो हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो दुबई से आगे स्टैंडर्ड पे काम करें. एंड माशाल्लाह आई फील नाउ विद अ लॉट ऑफ अदर कम्युनिटी मेंबर्स एंड बिकॉज ऑफ एचएसएस की जो कंट्रीब्यूशन है, बट आई विल नॉट टेक द क्रेडिट. आज रियल स्टेट ब्रोकर्स माशाल्लाह रिप्यूटेड इंडस्ट्री है ये. यहाँ ब्रोकर काम करने वाला किसी बैंकर के लेवल पे काम कर रहे हैं. मतलब जिस तरह पहले के जमाने में होता था कि जी स्टैंडर्ड चार्टर्ड एचएसबीसी बैंक के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको जिस नजर से देखा जाता था, चाहे ड्रेसिंग हो, चाहे बात करने का तरीका हो, वर्क एथिक्स हो, या कम्युनिटी के अंदर उनकी स्टैंडिंग हो, आज माशाल्लाह रियल स्टेट ब्रोकर जो है करीब आ रहे हैं. और एचएनएस राइट नाउ ट्रेनिंग सेशंस नॉट फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, हमारे आपने देखा पिछले 3 दिन से ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं और ये आज तीसरा लास्ट डे, और नेक्स्ट मंथ दोबारा 3 दिन के सेशन है जिसके अंदर हम फ्री ट्रेनिंग, हाउ टू यूज योर फंड्स बेस्ट इन सोशल मीडिया, वर्क एथिक्स और पूरा एक क्राइटेरिया पूरा एचएनएस क्लब का, जिसके अंदर हम रियल एस्टेट कम्युनिटी को माशाल्लाह उस लेवल पे लेना चाह रहे हैं कि लोग बोलें कि यूनिलीवर में काम करना है, नेस्ले में काम करना है, पीएनजी में काम करना है, या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करना है, एक लेवल पे आ जाना है. सेम प्रेस्टीज, सेम डिग्निटी, सेम वर्क एथिक्स के साथ. तो इसमें हमारा बड़ा हैवी प्रोग्राम चल रहा है. एंड आतिफ कयूम जो कि हमारे हेड कर रहे हैं पंजाब साइड की सेल्स भी, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर कि प्रोग्राम के पीछे इनिशिएटिव एक्चुअली उनका था कि ही बिकॉज ही इज वर्क विद एमआर प्रॉपर्टीज इन पंजाब, ही इज वर्क विद दमाक प्रॉपर्टीज इन दुबई, एंड ही सेड टू बी व्हाई नॉट के पाकिस्तान के अंदर भी वहां तक हम पहुंचे. अब पाकिस्तान ये कि जो एक नई एकेडमी बनी है रियल एस्टेट एकेडमी, जी वो सीओ क्लब ने बनाई है. अच्छा, मच आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट. अभी इट इज जस्ट, और हम उसकी सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं. अच्छा, विद दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ एक्रीडिटेशंस, ताकि लोगों को सर्टिफिकेशंस हो, लोगों के पास कॉम्पिटेंस आए, वो वाली चाहे वो सिंपल ग्रेजुएट हो लेकिन उनके पास ये बेसिक है, उनका रोजगार बने. और ये बच्चों के लिए जो कॉम्पिटेंट है, जो नहीं पढ़ सकते में और जा सकते, वो बेसिक स्किल्स लें और जाएं मार्केट में, बेसिक स्किल्स होने चाहिए. और दिस इज हमारे यहाँ नॉट जस्ट फ्यू हंड्रेड थाउजेंड, मिलियंस ऑफ लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है रियल इंडस्ट्री से. रियल एस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान की इस वन ऑफ द मेगा थिंग्स राइट नाउ, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, ग्लोबली. चाइना को ले लें, दुबई को ले लें, यूएस को ले लें, रियल एस्टेट इंडस्ट्री जितनी ग्रो करती है मुल्क उसके साथ ग्रो करता है. Agreed, agreed. So, why दुबई जो है ये सारा रियल एस्टेट के ऊपर ही तो बिल्ड हुआ है, सारा रेत के ऊपर बना दिया. हमारे पास तो उसी अच्छी जमीन है. और माशाल्लाह देखिए, जिस आपने दुबई का नाम लिया, द प्राउड थिंग इज दैट एचएनएस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टुवर्ड्स द रियल इंडस्ट्री ओवर देयर, एंड वी आर द नंबर वन फॉर इयर्स कंपनी इन रियल इंडस्ट्री ओवर देयर. नहीं, मुझे अवार्ड विनिंग बाय द गवर्नमेंट. तो वैसे भी प्राउड मोमेंट है फॉर द पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के, जी आपके पाकिस्तानी बॉयज वहां बैठे हैं और स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं ग्लोबल लोगों के साथ. हमारे कंपटीशन में वो कंपनीज हैं जिनके 200 मुल्कों में 50 ऑफिस हैं. ऐसी है, ठीक है. बर्कशायर हैथवे इज वन ऑफ आवर कंपटीटर्स. बड़ा प्राइड फील होता है, बड़ा प्राइड फील होता है. एग्जैक्टली प्राइड. सर आखिरी लास्ट जो इसके जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस का, गुस्सा आता है कैसे मैनेज करते हैं? ये बेसिक है, ये पाकिस्तान के डीएनए में ये. अब ये चक्कर है कि आप मेरे अगर सवाल करेंगे तो आपको अलग जवाब देंगे. अगर आप घर फोन करके अपनी बड़ा मुश्किल काम है से सवाल पूछेंगे, देखें वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर दी है एक पेशेंस और उसके साथ ही इमोशंस. तो आई फील के ब्रिजेस बनाना बहुत मुश्किल है और बर्न करना बहुत आसान है. तो अगर आदमी को ये एहसास हो कि मेरे मुंह से निकली हुई एक बात अभी मेरे किसी को हर्ट कर सकती है, तो वो अगर एहसास हो सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी आपसे मैंने बात बोली थी, तो क्वालिटी ऑफ अ सीईओ, मैंने आपको क्या बोला था, फेयर. इफ यू आर फेयर इन लाइफ, इट्स नॉट ओनली अबाउट फेयर इन लाइफ विद अदर पीपल, यू हैव टू बी फेयर इन लाइफ विद योर सेल्फ एज वेल. ठीक है, सक्सेस इज ओनली नॉट अबाउट मनी कि आपने कितने प्रोजेक्ट बना लिए और एचएनएस कितना बड़ा पैसों के अंदर है. मैं जाती तौर पर कितना सक्सेसफुल हूँ अपने इमोशंस के साथ और मेरे अपने ऊपर मेरा कितना कंट्रोल है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सक्सेस. मतलब ये आप इसकी जिसको लफ्ज़ बोला है कि जो फेयर होना या
मैं इसको हम अंग्रेजी में अपनी जुबान में एम्पथी कहते हैं, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल, तो हम एम्पथी कहते हैं क्योंकि एम्पथी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। कि आपको किसी का दर्द देखना है, आपके मुंह से निकली बात आपने बर्न द ब्रिज करना है या बिल्ड द ब्रिज करना है। सर आगे चलते हैं कि जो सीईओ होता है, ग्लोबल रिसर्च कहती है सीईओ रीड बुक्स, दे आर रीडर्स, लीडर्स आर रीडर्स। तो एक आप इतना टाइम आपका बिजी होता है तो उसमें आप आर्टिकल्स या किताबें, तीन या दो किताबें बताएं जो रियली लव टू रीड एंड अदर्स मस्ट रीड। देखिए जनरली मैं बताऊं, बिकॉज वी आर डूइंग फंड मैनेजमेंट फॉर एचएनएस के अंदर, वी हैव क्लाइंट्स जिसके अंदर वी हैव टू गिव देम एडवाइस, द राइट एडवाइस एट एवरी टाइम। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट अस मेकिंग मनी, उनके मल्टी बिलियन रुपीज लगे हुए इसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, एंड दे कम टू अस फॉर द राइट एडवाइस के हम बताएं हम कहाँ इन्वेस्ट करें। सो फंड मैनेजर्स हैं, यस, सो कॉन्स्टेंटली मी एंड माय ब्रदर्स वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स। ओके, ठीक है, सो वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन डे एंड नाइट बाय वेरियस वेज, जिसके लिए आप ये बोल दें कि वी मीटिंग पीपल, वी आर रीडिंग अप ऑन इट ऑनलाइन और बुक्स करंट डेटेड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट योरसेल्फ एंड गिव द राइट एडवाइस, ट्रेंड्स को स्टडी करें, एजुकेटेड एडवाइस फ्रॉम फाइनेंशियल जो मैनेजर्स हैं आपके, उनसे आप सीखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, उनसे भी सीखते रहते हैं। एंड देन वी नीड टू यू नो गो आउट इन द मार्केट, एंड व्हाट इज द बिगेस्ट मार्केट राइट नाउ इज द ऑनलाइन मार्केट, जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ विद द राइट यू नो एडवाइस। So it's important to keep ourselves educated. तो आप करते रहते हैं साथ साथ अपडेट करते हैं। सर दो तीन लास्ट चीजें हैं कि एक होता है सक्सेस, एक हैप्पीनेस, हाउ यू डिफाइन इन वन टू लाइंस। जिस तरह मैंने पहले ही बताया, सक्सेस इज नॉट ओनली अबाउट मनी और हाउ मच योर कंपनी इज बिग, इट्स अबाउट योर इनर सक्सेस एंड एज हाउ इनर हैप्पीनेस, इनर सेटिस्फेक्शन। जी बिल्कुल, तो हाउ इज योर होम अ हैप्पी प्लेस, इज योर ऑफिस अ हैप्पी प्लेस, इज योर फ्रेंड सर्कल अ हैप्पी प्लेस। ऑब्वियसली With all these businesses going on, काफ़ी चीज़ें neglect हो जाती हैं। So criteria of success यही है, मेरे father भी जिस तरह कहते हैं कि you know, as he always says, don't run on a treadmill, run in real life, because treadmill पे भागने वाला बंदा वहीं का वहीं खड़ा है पूरी ज़िंदगी। ठीक है, तो आप भागें लाइफ में, आगे भागें you know, on real life where you're on the way you'll meet your family, your kids, your wife, your parents and everyone is on the way, क्योंकि treadmill के अंदर तो बंदा कमरे में और वहीं का वहीं खड़ा है। वो बिल्कुल ठीक बोला। एक सीईओ का सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल, जैसे आपके एक पांव इधर है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फिर उसके बाद दुबई और फिर अदर कंट्रीज, तो डू यू जस्टिफाई वर्क लाइफ बैलेंस? आपने कहा मेरे बच्चे भी हैं एजाज, तो सच्चा सच्चा जवाब दीजिएगा इसका। ये अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा, मेरी फैमिली से नहीं पूछा, क्योंकि एक अलग आंसर मिलता है। तो मैं इसलिए जस्टिफाई, प्लीज जस्टिफाई। एक टाइम था कि लगता था कि अपने लिए काम कर रहे हैं, अब लगता है कि लोगों के लिए काम कर रहा है। ऐसे ठीक है, और लोग सिर्फ अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की बात नहीं कर रहा, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर अटैच्ड, रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है। एग्जैक्टली, और अगर अच्छी सपोर्ट मिल जाए घर से, आपको आपकी वाइफ की तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से, कि वी अंडरस्टैंड यू हैव अ बिगर रिस्पांसिबिलिटी देन अस नाउ, ठीक है, तो फिर आसान हो जाता है काम। दे अंडरस्टैंड कि अब हमारे साथ बहुत काम कर रहे हैं, बहुत लोगों की, अगर आपके पास हजार बंदा काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट में, तो इसका मतलब हजार के पीछे अंधे के पीछे दस दस की फैमिली वगैरह, तो मिलियंस ऑफ लोग उसके पूरे इकोसिस्टम में है। तो अगर मैं थोड़ा डाउन कर दूंगा अपनी पेस को तो मिलियंस लोगों का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं है कि जहां हमारे बगैर भी काम चल सके। अभी सो वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हैविंग सेड दैट, अल्लाह ताला ने एक चीज तो हमारी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली हैं फैमिली की, तो वक्त देना चाहिए उनको भी और अपनी सेहत को भी वक्त देना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेहत है तो जैसे कहते हैं सब कुछ जान है तो जहान है। मुझे एक बताइए कि एग्जैक्टली हेल्थ के आजकल बड़ा फोकस चल रहा है सीईओस की, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस पर बड़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी आपकी आपकी एनर्जी को सक कर लेता है, तो क्या कोपिंग स्ट्रेटजी है अनवाइंड करने की और स्ट्रेस की? अक्सर कभी कभार मैं जब अपने मैनेजर से या टीम से डायरेक्टर से नाराज होता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ डोंट गिव मी हार्ट अटैक हंसते हुए। देखें मैं आई रियली फील दिस एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू नो दिस, के इफ़ यू हैव इनकॉम्पिटेंट वर्किंग पीपल अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द अगर इनकॉम्पिटेंट लोग काम कर रहे हैं, दे विल गिव यू स्ट्रेस। सही कह रहे हैं, स्ट्रेस की बड़ी प्यारी बात किया, आपके घर तक जाता है वो स्ट्रेस। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट वर्क अराउंड इनकॉम्पिटेंट पीपल, अच्छे बंदे रखें, अच्छे पैसे दें, आपका स्ट्रेस आएगा नहीं लाइफ में, यू विल ग्लाइड और आप
इनकॉम्पिटेंट लोग रखेंगे तो आप स्ट्रगल ही करते रहेंगे, एंड जो मैंने आपको बात बोली दैट स्ट्रेस गोज ऑल द वे टू योर लाइफ, टू योर वाइफ, टू योर किड्स, टू योर हेल्थ. डोंट गिव योर सेल्फ अ हार्ट अटैक बाय हायरिंग इनकॉम्पिटेंट पीपल. ये किताब है बेस्ट सेलिंग दुनिया की, मैं आपको एक डिजिटल इसका गिफ्ट भेजता हूँ, किताब हार्ड कहेंगे हार्ड का भी भेज दूंगा कि सीईओस डाई यंग, वाई सीईओस डाई यंग. और दूसरी किताब है फाइव टेम्पटेशंस ऑफ अ सीईओ. ये मैं किताबें ना बांटता हूँ मतलब नेकी समझ के, इस दुनिया के अंदर रिसर्च है कि सीईओ क्यों जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि क्यों उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज और मतलब 10 प्रॉब्लम्स ले लेते हैं और फिर अनहेल्थी लाइफ स्टाइल में चले जाते हैं. तो आई विल शेयर विद यू सर. दो लास्ट क्वेश्चन हैं कि आपकी जिंदगी में अब तक कितनी कामयाबियाँ की, एनी अचीवमेंट यू आर प्राउड ऑफ, जो किस्मत एजाज 10 काम किए, 10 बिलियन के किए, ये काम मेरे दिल के पास है. देखिए माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा, और अल्लाह की बड़ी रहमत है कि अल्लाह ने सिर्फ कारोबार के अंदर नहीं, जिंदगी में वैसे भी यू नो अल्लाह हैज ब्लेस्ड मी विद अ गुड लाइफ. एंड इफ़ आई हैव टू पुट समथिंग राइट ऑन टॉप, देखिए कारोबार को लोग, कुछ लोग जैसे मेरे बेटे को ना, मुझे बचपन में शौक होता है एक्सबॉक्स पे गेम. कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह, माय सन इज 14 ईयर ओल्ड. ना करें हाँ, तो माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे, माय सन इज, आई एम 42 माशाल्लाह. माय सन अता इज 14 एंड देन बेटी है 12, छोटे हैं उससे. एनी वेज, तो जैसे लोगों को मेरे बेटे को शौक है एक्सबॉक्स पे गेम खेलने का ना, तो वो गेम खेलते हुए जीत रहा है हार रहा है, इसी तरीके से आई एन्जॉय माई वर्क, मुझे लगता है मैं भी ये गेम खेल रहा हूँ और आई एम विनिंग एंड आई एम लूजिंग बट आई एम ऑलवेज माशाल्लाह विनिंग. तो मेरा एक्सबॉक्स ये है, मेरा प्ले स्टेशन ये है. तो अगर आप मुझसे बोलेंगे एक चीज आइडेंटिफाई करो, इट मेक्स मी रियली प्राउड इज दैट HNS प्रॉपर्टीज इन दुबई, इट्स अ पाकिस्तानी कंपनी. और बात है अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो इट्स अ पाकिस्तानी कंपनी बिकॉज वो समझते हैं कि यार ये दिस इज सच अ ह्यूज, वो लोग समझते हैं ब्रिटिश कंपनी, अमेरिकन कंपनी, गोरा कंपनी कोई. हाउ कैन वन कंपनी फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स बी द नंबर वन कंपनी अवार्डेड बाई UAE गवर्नमेंट एवरी सिंगल ईयर, हाउ इज इट पॉसिबल? तो एंड वी आर कम्पीटिंग विद द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, जैसे मैंने पहले बताया बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफे की कंपनी हमारे कॉम्पिटिशन में 5-6 नंबर हमसे पीछे चलती है, ठीक है. सो दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तान, दीज थ्री पाकिस्तानी बॉयज सिटिंग इन दुबई, दे आर रॉकिंग इट, ठीक है. एंड माशाल्लाह देन वो फेम जो है ना, वो इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस, यू नो. सो वी आर नॉट लुकिंग फॉर फेम, वी लुकिंग फॉर सक्सेस एंड बट द सेम अमाउंट फॉर पाकिस्तान. ट्रू, ये आपके पाकिस्तान की एक ब्रांडिंग है, इमेज बिल्डिंग है, पाकिस्तान की कामयाबी है. सर लास्ट क्वेश्चन आपसे आज की इस गुफ्तगू का कि क्या मैसेज है नौजवानों के लिए, इस मुल्क का इतना बड़ा बल्ज है, आपने बोला कि अभी हम उनको कर रहे हैं ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन होपलेसनेस है, जॉबलेसनेस इज एट पीक नाउ इन दिस, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स हैं इस सारे इस इन्वायरमेंट में, क्या मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप फॉर द यंग पीपल इन पाकिस्तान? हर चीज़ का मैं, आई वुड लाइक टू टेल द यंग जनरेशन, आई एम लिविंग इन दुबई, और हर चीज़ का जो हल है माशाल्लाह, आई फील के कुरान के अंदर हज़रत सल्लम की लाइफ, हमारी हदीसों में हमें हल मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है. इफ़ यू कैरी ऑन योर लाइफ कीपिंग दैट इन माइंड एंड योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, जो कि आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, दैट इज़ द फर्स्ट कोर स्टेप टूवर्ड सक्सेस. मैं आपको कारोबारी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलना चाहता कि आप मेहनत ज़्यादा करें और आप सोशल मीडिया पे टाइम दें या ना दें या फिर ग्रो. मैं ये बोलना चाहूँगा कि टेक योर रिलीजन एंड योर फैमिली एंड योर पेरेंट्स वेरी सीरियसली, उनकी दुआओं से आपको आगे बहुत ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह. सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा साथ. और क्लोजिंग जो आपकी जो तीन चीज़ें मैं इधर से टेक अवे लेके जा रहा हूँ जी, अगर मैं रैप अप करूँ आज की इस कन्वर्सेशन को, तो नंबर वन सबसे पहली चीज़ अगर आपने ज़िंदगी में ग्रो करना है तो वो ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप माँ बाप के, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में, हमारे रिलीजन में, हमारे कल्चर में माँ बाप की जो ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं, वो नंबर वन है. सेकंड जो मैंने बात की जो पिक करके जा रहा हूँ वो है परसिस्टेंस, कि ये नहीं कि जिंदगी में आप जल्दी भागें या बिल्कुल लेजी हो जाएं, स्लो हो जाएं, फिर वो भी नेगेटिव. तो परसिस्टेंस जिसे कहते हैं उर्दू में इस्तकामत में के करामत है, इट इज़ अ मैजिक. तो परसिस्टेंस जो होती है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तीसरी चीज़ जो मेरा टेक अवे है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रियल स्टेट स्ट्रक्चर वेरी अनस्ट्रक्चर्ड, नो इट इज़ गेटिंग बीइंग स्ट्रक्चर्ड, तो उसके अंदर उन्होंने जो बताई है सिस्टम की कितनी इंपॉर्टेंस है.
क्योंकि कोई भी सिस्टम के बगैर आप एक हद तक तो तरक्की कर सकते हैं, उसके बाद बियॉन्ड आप नहीं ग्रो कर सकते, आउट परफॉर्म कर सकते अंटिल यू हैव प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। और लास्ट में इन्होंने बड़ी क्लोजिंग जो जुमला, जो आज का मैं क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का एक स्टूडेंट भी हूँ, पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटीज में, तो बड़ा कमाल की बात की कि असल चीज़ है वो कि अपनी टीम के अंदर कॉम्पिटेंट लोग हायर करें, उनको पैसे दें। कहते हैं कि इफ़ यू पुट द क्या कहते हैं कि पीनट्स यू विल गेट द मंकीज, इफ़ यू पुट द मीट यू विल गेट द टाइगर्स। तो इन्होंने अपने सारे मंकी साइड पर रखकर सिर्फ टाइगर्स को ऑन बोर्ड किया। सर एम आई राइट सर? तो अब ये पता नहीं कुछ भी एक रियल टाइगर इस पे बाद में जो करूंगा, मेरी जो टीम बैठी है बाहर भी मैं उनको जाके बताता हूँ हु इज द मंकी एंड हु इज द टाइगर। सर थैंक यू। और इनके लिए जुमला मैं ये जो इन्होंने पाकिस्तान की बात करते हैं, दुबई में जाके गोरों के साथ कम्पीट करके स्टैंड आउट करते हैं और आउट परफॉर्म करते हैं, तो मैं इनके लिए कहूँगा कि यार जो जिंदगी के अंदर जो ऐसे लोग होते हैं ना कि अपने कहते हैं तमाम उम्र सहारों की तलाश, ये आपको सर जी आपके डेडिकेटेड के तमाम उम्र सहारों की तलाश रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। अरे जिन्हें जीना हो वो सहारे नहीं ढूंढा करते, जिन्हें तैरना हो वो किनारे नहीं ढूंढा करते। तो तैराकी सीखें, स्विमिंग सीखें, ना कि डेड फूड की तरह फ्लोटिंग करें। जान सर को इजाजत दें सीओ टुडे पे, और आप अपना जो ना HNS के सोशल मीडिया पे इसको देखिएगा, और जो नई किताब आ रही है 100 CEOs जो कि इंशाल्लाह 5 कंट्रीज में लॉन्च हो रही है, इसमें आप HNS की सक्सेस जर्नी को जरूर पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।